डायबिटीज क्यों हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि होती है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ती है। यदि वो पैनक्रियाज नाम की ग्रंथि इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ना बंद कर देती है, रिलीज करना बंद कर देती है या बना ही नहीं पाती है, तो हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम डायबिटीज डिसीज कहते हैं। तो यदि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, इंसुलिन नाम का हार्मोन आपके शरीर में नहीं बन पा रहा है, तो डॉक्टर आपके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं या उसे पूर्ति करने के लिए टैबलेट देते हैं। यदि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। आप सदा स्वस्थ रहें। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।